शो तारक मेहता के उल्टे चश्मे में होने वाली है एक नया दया बेन की एंट्री। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूपाशी फ्रॉम सिने स्पीक्स और मैं आपके लिए लाई हूँ आप सबके फेवरेट शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा से रिलेटेड ये नई अपडेट। आपके मन पसंदीदा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो आप सालों से देखते आ रहे हैं, इतने टाइम से चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और उसके अतरंगी कैरेक्टर्स की जो नोकझोंक है और उनके जो बहुत सिली से प्रैंक्स होते हैं और वो कैसे हर प्रॉब्लम का मिलके सॉल्यूशन निकालते हैं, वो देखने में बहुत मजा आता है। आप उनके जोक्स पे बहुत हंसते हैं और इंजॉय भी करते हैं, और जो कैरेक्टर्स है वो काफी टाइम से लोगों के दिल और दिमाग में जी रहे हैं, और उन्हीं में से एक कैरेक्टर की आज मैं एक दुखी न्यूज लेकर आई हूँ, एक सैड न्यूज लेकर आई हूँ। और ऐसी ही एक कैरेक्टर है दया बेन, जो दिशा वकानी इतने सालों से प्ले करती आ रही है और लोगों के दिल और दिमाग में इतनी जगह बना रखी है उन्होंने। उनकी जो एक्सेंट है और जो उनकी बोलचाल से लेके उनकी जो हरकतें हैं, हरकतें भी नहीं बोलेंगे, जो उनकी बोलने का तरीका है और वो कैसे अपनी बातों को रखती है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है इतने टाइम से। लेकिन एक दुखी न्यूज़ ये है कि दिशा वकानी अब नहीं आ पाएंगी वापस से रिप्राइज करने के लिए अपने रोल को एज दया बेन, और फैंस इसी के चलते इतने टाइम से अरशद मोदी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि वो दया बेन को वापस लेकर आए। और अरशद मोदी का इस सब पे ये कहना है कि इतने टाइम से जब दया बेन की जो एक्ट्रेस है वो आई नहीं सेट पे, तो अब उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो अब छोड़ना भी चाहे तो वो छोड़ सकती है और वो शो को आगे बढ़ाएंगे एक नई दया बेन के साथ। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि जो दिशा वकानी के फैंस होंगे, जो उन्हें इतने टाइम से उनकी जो जर्नी है शो में उसके थ्रू आउट उन्हें सपोर्ट करते आ रहे हैं, वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होंगे। आप लोगों का क्या कहना है इस नए दया बेन की एंट्री पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और अपडेट्स के लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की दुनिया से देखते रहिए सिने स्पीक्स।